डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड सिचुएशन की वजह से स्कूल्स में जो फॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम्स होते थे उस तरीके से ना लेते हुए स्कूल वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले रहे हैं। आज हम देखेंगे कि टेस्ट मोड्स पर किस तरीके से अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर किस तरीके से देना है। जैसे यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लिंक भेजी गई है और उसके साथ में पासकोड भी भेजा गया है। सबसे पहले लिंक पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद हमें वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद हमें जैसी डिटेल्स ऊपर मांगी गई है उस तरीके की डिटेल्स जो हमको सबमिट करना है। सबसे पहले यहाँ स्टैंडर्ड है, डिवीज़न है, रोल नंबर है, उसके बाद है फुल नेम। जैसे अगर स्टूडेंट फिफ्थ में है, ए डिवीज़न में है, तो हम फिफ्थ और ए सेलेक्ट करेंगे, फिर स्पेस देंगे। स्पेस के बाद स्टूडेंट का रोल नंबर, जैसे अगर बच्चे का रोल नंबर 10 है तो 10 लिखेंगे, और अगर सिंगल डिजिट का नंबर है तो पहले 0 टाइप करेंगे, उसके बाद नंबर 1 2 3 4 डालेंगे। उसके बाद स्पेस देना है और फिर बच्चे का फुल नेम, जैसे अगर स्टूडेंट का नाम है रेहान, वसीम WASIM खान KHAN। अब आते हैं उसके बाद पासकोड पर। जैसा पासकोड आपको स्कूल से दिया जाएगा वैसा ही आपको यहाँ टाइप करना है। हमको जो पासवर्ड मिला था वो M कैपिटल था। अगर मैं यहाँ स्मॉल M डालकर सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए इनवैलिड पासकोड आ रहा है, तो आप कैपिटल M डालेंगे OCK। अब स्टार्ट होगा टेस्ट। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर टाइप का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर हमको यहाँ टाइप करना रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एक हो सकता है, आंसर 2+2 4 होता है, 4 × 2 8, तो आंसर 8 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर 60 मिनट इज़, ये MCQ का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसके चार ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक सही होगा। जैसे यहाँ 60 मिनट इज, 60 मिनट 1 आवर होता है, तो हम 1 आवर पर क्लिक करेंगे। उसके आगे है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमको जोड़ियाँ लगाना है। यहाँ कैट के बाजू में क्लिक करेंगे तो हमको चार ऑप्शंस आएंगे, या मैमल पर क्लिक कर लेते हैं कैट क्योंकि मैमल है, वेल के बाजू में क्लिक करेंगे, फिर चार ऑप्शन मैमल है वेल भी। उसके बाद गेको एक रेंगने वाला जानवर है जिसे हम रेप्टाइल कहेंगे, तो गेको पे आकर रेप्टाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्पैरो एक उड़ने वाला परिंदा है, तो एव्स के क्लास में आता है वो। उसके बाद आगे क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के दिस डैश बुक्स, तो आर आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है डू यू वर्क, उससे पहले वर्ड भी आ सकता है और वेयर भी आ सकता है, तो हम दो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वर्ड और वेयर का, वेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश अ पेन, तो आंसर है आई हैव अ पेन, हैव को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, ट्रू ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। यू शुड कीप योरसेल्फ क्लीन, तो करेक्ट आंसर है ट्रू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, ईस्ट से राइज होता है, तो फॉल्स है। उसके बाद हमको हमारा जो पेपर है वो सबमिट करना है, तो सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमको हमारे आंसर्स दिखा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके आंसर्स दिखाए जाएँ, कभी कभी हो सकता है दिखाएंगे, कभी नहीं होगा। फिर अब नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, अगर नीचे हमको और लॉगआउट दिखेगा, लॉगआउट पर क्लिक करें और उसके बाद हमारा टेस्ट सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से हम जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स सेलेक्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। हर टेस्ट के लिए हमें टाइम लिमिट दी हुई रहती है, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर हम सबमिट नहीं कर पाते हैं या अगर किसी वजह से हम वेबसाइट से बाहर हो जाते हैं, तो वो टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद हमारा टेस्ट जो है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।